मैं अपने चैनल पे इस तरह के जुगाड़ू टिप्स शेयर करती रहती हूँ जिसके जुगाड़ से आपका काम आसान तो हो ही जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं और हम इस जुगाड़ से अपने काम को आसान और बेहतर बना लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम कम बातें करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप्स हमारी जो है कि केले को लेकर के है। जब हम मार्केट से केले खरीद करके लेकर के आते हैं तो हम इसे खाना शुरू कर देते हैं और खाते खाते लास्ट में आकर के हमारे केले बच जाते हैं। तो देखिए, कुछ जब इस तरह से हमारे केले बच जाते हैं, यहाँ 3-4 केले हमारे बच चुके हैं। अब इसे हम जो है कि अगर इसे हम खा नहीं रहे हैं तो ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, और जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाता है, और जब गल जाते हैं तो ये केले हम खाना नहीं पसंद करते हैं, कोई भी खाना नहीं पसंद कर देता है, और हम केले को जो है कि फेंक देते हैं। तो केला हमारा वेस्ट ना हो, इसे हम किस तरह से रखें, तो यहाँ आपके साथ मैं एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी जो ट्रिक बहुत ही आप लोगों को पसंद आने वाली। बस यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, केलों को जो है कि इस डंडियों से आपको पहले अलग कर लेना है। अब देखिए, मैंने सारे केले को डंडियों से अलग कर लिया है। यहाँ मैंने क्या किया है, सिल्वर पेपर ले लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको सिल्वर पेपर ले लेना है और उसमें आपको क्या करना है, केले को रख देना। आप चाहे तो एक में 2-3 केले रख सकती हो। अब इस तरह से आप क्या कीजिए, केले को रख करके और फिर इसके बाद जो है कि सिल्वर पेपर से इसे कवर कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ ऐसे कवर करने के बाद आप इसको क्या कीजिए, आप इसको जो है कि फ्रिज में रख दीजिए। अब जैसे आपके केले एकदम जैसे पड़े हैं बिल्कुल उसी तरह से पड़े रहेंगे, आपके फ्रिज में बिल्कुल गलने वाले नहीं हैं और आप इसे खाना भी पसंद करेंगे। आप यकीन मानिए, 3 से 4 दिन अगर आप इस तरह से फ्रिज में केले को रख दे रही हैं तो आपका केला बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, एकदम इसी तरह से पड़ा रहेगा, और जब भी आपका मन हो खाने का तो आप खा सकती हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, मुझे बहुत ही पसंद लगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आपके केले वेस्ट नहीं जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से पड़े रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली टिप्स हमारी जो है ये कोल्ड ड्रिंक वाले बोतल को लेकर के है। कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल हो या पानी वाली बोतल हो, जो भी बोतल हो आप उससे भी इस चीज़ को बना सकते हो। तो यहाँ देखिए क्या करना है आपको, मैंने यहाँ बोतल ले लिया है और बोतल को हम कट करेंगे। तो यहाँ हमने चाकू को गर्म कर लिया है और चाकू जब गर्म हो जाता है तो बोतल को हम अच्छी तरह से काट सकते हैं। तो देखिए, हमारे बोतल बहुत अच्छी तरह से कट रहे हैं और यहाँ हमने बोतल को काट लिया है। इसे हम कहाँ और किस तरह से यूज करने वाले हैं, हमने यहाँ क्या किया है, देखिए बोतल को हमने कट कर लिया है और अब कट करने के बाद हम इसे कहाँ और किस तरह से यूज करने वाले हैं वो हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। अब हमने यहाँ क्या किया है, एक प्लेट ले लिया है और प्लेट के अंदर जो हम क्या करेंगे, कटे वाले जो है कि बोतल है उसको उसके अंदर रख देंगे। और फिर इसके बाद हमने यहाँ क्या किया है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च मैंने यहाँ ले लिया है, अब इसके अंदर इसे डालेंगे। और हमने यहाँ ले लिया है बेलन। आप कहोगे कि हम ये क्या कर रहे हैं, देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम गृहस्थी बसाते हैं तो हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो यहाँ ये जुगाड़ आपको बहुत ही काम आने वाला है। अब देखिए, अब इससे हम क्या करेंगे, कल जो है कि हम अपने लहसुन अदरक को जो है कि कूटेंगे। कभी कभी हमारे पास जो है कि सिलबट्टे नहीं होते हैं, कभी कभी खलबट्टे नहीं होते हैं और हमारे पास मिक्सी नहीं होती है, तो इस जुगाड़ से हम जो है कि अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, मैं आपको जो है कि कूट करके इसे दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से हमारे जो है कि कूट करके तैयार हो गए हैं। अगर आपके पास सिलबट्टे नहीं हैं, आपके पास खलबट्टे नहीं हैं, आपके पास मिक्सर नहीं है, तो इस ट्रिक से भी आप इसे कूट सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। कभी कभी जब हम नई नई गृहस्थी बसाते हैं ना, तो हमारे पास जो है कि ऐसा बहुत चीज़ नहीं होती है, हमें गृहस्थी बनाने में बहुत ही समय लगता है, एक एक चीज़ जो है हमें जो है कि जुहाना जुटाना पड़ता है। तो मुझे बहुत यूजफुल ट्रिक लगी, उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी जो है कि किचन सिंक को लेकर के है। किचन सिंक की सफाई हम कितनी भी बढ़िया से क्यों न कर ले, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हो कि हमारे किचन सिंक से जो है कि कॉकरोच आते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, जिससे कि हमारे किचन को भी गंदा कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो है कि हम आपके साथ एक ट्रिक शेयर करेंगे, अगर आप उस ट्रिक का इस्तेमाल करते हो तो आपके किचन सिंक में ऐसे कोई कीड़े नहीं आएंगे
और बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, पाउडर ले लिया है और यहाँ हम किचन सिंक पे इस तरह से हम पाउडर डाल लेंगे। पहले आपको इस तरह से रात में साफ करने के बाद एक काम करना है। फिर इसके बाद हमने यहाँ हल्दी ले लिया है, इसमें हमने हल्दी को भी डाल दिया। ये दोनों मिलकर के इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इसकी महक से, इसकी खुशबू से जो हमारे जो किचन सिंक से जो उसकी पाइप होती है उससे पकड़ करके जो काकरोच आते हैं, जो कीड़े मकोड़े आते हैं, जो हमारे किचन में गंदगी फैलाते हैं, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। इतना ये स्ट्रॉन्ग होता है इसकी महक। अब देखिए हमने क्या किया है, इस तरह से इस पर डाल करके आपको छोड़ देना है रात भर के लिए। फिर आपका किचन बिल्कुल क्लीन होगा, इसमें कोई भी जो है कि कीड़े मकोड़े नहीं आने वाले हैं। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप लोग इसे कर करके देखिएगा। रात में जब आप बर्तन धुलने के बाद, जो किचन सिंक की सफाई करने के बाद आप ये काम कीजिएगा, तो बहुत यूजफुल ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप हमारी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं जिसे मैं आपको धन्यवाद कर सकूं। फिर ऐसी ही वीडियो के साथ फिर से हाजिर होते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम।